मोदी मोदी। अब आप सब शांत हो जाएं। अभिनंदन समारोह के इस सभागार पे हम सबके प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विराजमान हो चुके हैं। अब मैं आह्वान करूंगा अंगवस्त्रम उधर से ले, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम प्रदान करके अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अंगवस्त्रम देके अभिनंदन करेंगे। अब मैं प्रदीप जी और हंसराज जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्पहार लेके जल्द आए। अब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन हो रहा है, वाराणसी के कार्यकर्ताओं द्वारा वंदन हो रहा है। मित्रों, कार्यकर्तापन के भाव जिनके सानिध्य में हम सबको प्राप्त होता है, कार्यकर्ताओं के साथ चट्टान की तरह जो हर समय खड़े रहते हैं, ऐसे लोकप्रिय सांसद प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, एक बार परंपरागत हरा हरा महादेव। मंच पर आदरणीय युग पुरुष श्री मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शाह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी तथा समक्ष उपस्थित सभी माननीय प्रदेश क्षेत्र पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण तथा वाराणसी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज मैं स्वागत उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करने उपस्थित हुआ हूं। अपने मुख्यमंत्री काल के प्रथम 13 वर्ष जो क्रम गुजरात में आज भी जारी है और 5 वर्ष 2014 से 19 प्रधानमंत्री दायित्व के द्वितीय चरण जो क्रम आज भी जारी है, सरकारों से नकारात्मकता खत्म करके सरकारें भी सकारात्मक हो सकती हैं यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले युग पुरुष आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भारतीय राजनीति में 21वीं शताब्दी के एक ऐसे शिखर पुरुष जिनके इर्द गिर्द ही भारत की राजनीति आज केंद्रित है और भारत ही नहीं विश्व पटल पर जिनके इर्द गिर्द राजनीति केंद्रित है और होगी, ऐसे महान नेता का आज हम काशी में, हम सबका दोहरा सौभाग्य है कि वे हमारे काशी से और हमारे उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। इस रूप में उत्तर प्रदेश
भाजपा अध्यक्ष के रूप में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आज इस अवसर पर साथ में मैं संक्षिप्त स्वागत में आधुनिक भारत के प्रत्यक्ष उपस्थित सक्रिय चाणक्य भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस सारे अभियान में उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री के रूप में सकारात्मक योगदान देने वाले श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमें बर्बा से कहने में अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है कि आज अच्छे दिन हैं और अच्छे दिन कंटिन्यू और अच्छे दिन अनंत अनंत। इस भावना से पुनः कोटि कोटि अभिनंदन माननीय मोदी जी का, सभी का, सभी को नमस्कार। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं मित्रों सहृदय कर्मठ विकास पुरुष भारतीय संस्कृति और मूल्यों के वाहक जिनके नेतृत्व में आज प्रदेश मात्र 2 वर्षों में बीमारू राज्यों के श्रेणी को छोड़कर विकास के पथ पर चल बढ़ा है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। भारत माता के महान सपूत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, काशी के सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज काशी अभिभूत है अपने एक यशस्वी सुयोग्य पुत्र को, एक महानायक की यात्रा को आगे बढ़ाने को लेकर के। 2019 के देश के लोकसभा के सामान्य निर्वाचन में प्रचंड जनादेश के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण के पूर्व बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर दर्शन करने, मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ समर्पित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय मोदी जी का आज काशी के कार्यकर्ताओं के साथ इस संवाद का एक कार्यक्रम यहाँ पर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और काशी के इन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका वंदन भी करता हूँ। सचमुच यह पूरी दुनिया के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि चुनाव के पूर्व जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते थे कि मोदी जी ने इतनी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कार्य किया है और क्या भारतीय राजनीति में यह संभव हो पाएगा कि उन्हें दोबारा पारी मिलेगी, गठबंधन और महागठबंधन बना करके उन्हें रोकने की जितनी कवायतें थीं, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारत माता को अपना सर्वस्व मानते हुए जिन्होंने देश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को
निरंतर इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने की प्रेरणा प्रदान की और आज पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विगत 5 दशकों की प्रचंडतम बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेतृत्व में आज पुनः देश के अंदर एक नई पारी खेलने के लिए सामने आई है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में आप सबकी ओर से मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस जीत ने एक बार फिर साबित किया है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। और सचमुच दुनिया के अंदर सभी राजनीतिक पंडित अपने अपने अनुसार इस जीत की विवेचना कर रहे हैं। जो विजन इस देश के वैश्विक मानचित्र पर सम्मान देने का हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत को पूरी सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का हो, या देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के मामले में एक नई गति देने, या फिर इस देश का गरीब भी बिना भेदभाव के, बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा के शासन की हर योजना का हकदार बन सकता हो, आजादी के बाद पहली बार उन योजनाओं को जिस प्रतिबद्धता के साथ इस देश के अंदर लागू करने का प्रयास हुआ, आज उसका परिणाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में परिणाम के रूप में, जनादेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमने देखा है। हम लोगों ने लोगों के मुंह से सुना है, देखा है, जब लोग रोकते थे कि फलानी जाति का हमारा प्रत्याशी है, वोट फलानी जाति को देना है, फलाने प्रत्याशी को देना है क्योंकि हम फलानी पार्टी से हैं, वो कहते थे भाई नहीं, योजना का लाभ मोदी जी ने मकान दिया है, मोदी जी ने शौचालय दिया है, मोदी जी ने विद्युत कनेक्शन दिया है, मोदी जी ने रसोई गैस का कनेक्शन दिया है, मोदी जी के कारण हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, मोदी जी के कारण विकास मिल रहा है, मोदी जी के कारण ये आयोजन हो रहे हैं, मोदी जी के कारण देश को सुरक्षा मिल रही है, मोदी जी के कारण देश का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है, ये अद्भुत क्षण था। और आज भारत माता का महान सपूत, एक महानायक के रूप में हम सबके बीच में, काशी के बीच में, काशी के पुत्र के रूप में हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित है। मैं आप सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की धरती पर, बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले भी हम लोग इस बात को मानते थे कि थोड़ा सा समय मिलेगा तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आ पड़ता था कि नहीं फलाना कार्यक्रम, फलाना कार्यक्रम, कुछ ना कुछ नए कार्यक्रमों के साथ। और बहुत बार तो हम लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा या देश के अंदर क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास हमें 51% की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़नी है और हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। पूरी परिश्रम के साथ रात्रि को 2 बजे तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, अगले दिन सुबह 6 बजे अध्यक्ष जी फिर से तैयार होकर के नए कार्यक्रम के लिए फिर से हमें उपस्थित मिलते थे किसी न किसी कार्यक्रम में। मेहनत की पराकाष्ठा करके, हर एक कार्यकर्ता की चिंता करते हुए, बिना मूल्य और आदर्शों से झुके हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है उसे मूर्त रूप पर धरातल पर उतार करके, संगठन को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके, आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो तस्वीर हम सबके सामने उभर करके सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 303 सीटें स्वयं अर्जित कर ले, यह अभूत करने वाला है, एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है, हर एक कार्यकर्ता को नई स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। मैं इस अवसर पर पूरे चुनाव में संगठन की पूरी रणनीति के साथ युद्ध स्तर पर 24 घंटे हम कार्य करके हर एक कार्यकर्ता को मैदान में एक सेनापति के रूप में तैयार कर सकें, इस दृष्टि से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस रणनीति के साथ सभी कार्यकर्ताओं को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर काशी की आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों की ओर से
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने पूरे चुनाव में परिश्रम करके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए कहा था कि मैं काशी में चुनाव का परिणाम आने के बाद ही आऊंगा, और सचमुच उस दौरान हम लोग देखते थे हर एक कार्यकर्ता अपने स्तर पर लगा हुआ है, हर एक कार्यकर्ता अपने अनुसार मेहनत कर रहा है, हर एक कार्यकर्ता ने चुनाव को अपना चुनाव मान करके और हर स्तर पर लग करके काशी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रचंड जीत, प्रधानमंत्री जी की जीत में किसी को भी संदेह नहीं था। बहुत सारे लोग कहते थे कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन रोड शो की गर्मी को देख करके बहुत सारे लोगों को प्लान करते हुए भी देखा, लेकिन यह भी हम लोगों ने महसूस किया कि काशी का हर एक कार्यकर्ता जिस आत्मीय भाव के साथ, यह बहुत बिरला भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता, हर एक कार्यकर्ता ने इस बात को माना कि हम स्वयं प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को लेकर के स्वयं हर कार्यकर्ता हर स्तर पर दिखाई दिया है। मैं इस अवसर पर आप सभी काशी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं आप सबको, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में देश ने जो नई यात्रा प्रारंभ की है, सचमुच भारत दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो प्रयास विगत 5 वर्ष में आपने प्रारंभ किए हैं, आज दुनिया सचमुच ये देश 130 करोड़ की आबादी का ये देश हमारा आपके नेतृत्व में भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए पूरी तरीके से आपके साथ में खड़ा है। आपके नेतृत्व में, आपके यशस्वी नेतृत्व में हम सब कार्य करने को एक सिपाही के रूप में आपके साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मैं एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, एक वो चाणक्य थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ खड़े होकर भारत को एक गौरवशाली और शक्तिशाली राज्य बनाया। आज आधुनिक युग के चाणक्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनका पूरा विश्व में कोई द्वितीय नहीं है और जिनकी पारंगत और दूरदर्शी राजनीतिक सोच को पूरा विश्व लोहा मानता है, हम कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत भारतीय ही नहीं अपितु विश्व राजनीति क्षितिज के दैदीप्यमान नक्षत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को आग्रह करूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दें। मंच पर उपस्थित काशी के सांसद और भारत के पदनामित प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा विजय प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी और आज इस सभागार के अंदर आए हुए काशी लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और वरिष्ठ नगरजनों, आज वैसे तो मैं आज काशी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से काशी, उत्तर प्रदेश, उसके सभी मतदाता और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम और धन्यवाद करने के लिए। क्योंकि जब काशी के अंदर तही था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रत्याशी होंगे, मोदी जी के नामांकन के पहले
मोदी जी का काशी दर्शन, रोड शो और गंगा आरती करने का कार्यक्रम निश्चित हुआ था। और जो प्रचंड जन समर्थन रोड शो के अंदर दिखाई पड़ा, उसी वक्त मालूम था कि काशी का परिणाम क्या आने वाला है। और जब मोदी जी नामांकन के दिन कार्यकर्ता के सम्मेलन के अंदर आए और कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी जी आप पूरे देश भर में भाजपा का प्रचार करिए, यहां पर आप काउंटिंग के बाद ही आइएगा, और कार्यकर्ता के मन की आवाज को मोदी जी ने स्वीकार कर पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला चुनाव अभियान हाथ में लिया। और मित्रों, शायद ही कोई चुनाव ऐसा हुआ होगा जिसमें प्रत्याशी नामांकन के बाद मतदान तक अपने क्षेत्र में मतदाताओं का भरोसा करकर न आए। देश और दुनिया भर के लोग देखते थे कि काशी के कार्यकर्ताओं ने कहा है मत आइए, मोदी जी क्या करेंगे, मगर मोदी जी का भरोसा आप पर था, काशी की जनता पर था, और ये भरोसा आपने सही साबित। वैसे देश के चुनावी इतिहास में मोदी जी ने कई बार इस प्रकार के शुरुआत की है जो शायद कहीं पर भी नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो पंचायत के प्रधान का भी चुनाव नहीं लड़ा था और राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उसको मिला। मगर संगठन ने जो दायित्व दिया, वो दायित्व को कितने अच्छे तरीके से निभाया जा सकता है, अनुभव न होने के बावजूद साथियों के अनुभव को परामर्श से किस प्रकार से शक्ति बनाया जा सकता है, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया। मोदी जी जब शपथ लिए, ढेर सारे अखबारों ने लिखा था कि मोदी जी को शासन का अनुभव नहीं है। मोदी जी ने भी सरलता से कहा था कि मुझे शासन का अनुभव नहीं है। मगर मोदी जी जब एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म तक चुनकर आए, सारे विश्व ने स्वीकारा कि भारत का सबसे सफल मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और मित्रों, आप सभी एक रूप में बहुत भाग्यशाली हो कि मोदी जी जैसा जनप्रतिनिधि काशी के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे, 30 तारीख को फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले, इसलिए नहीं कह रहा। मैं जनप्रतिनिधि शब्द पर मेरा मतलब है कि जनप्रतिनिधि के रूप में मोदी जी को प्राप्त करना ये सौभाग्य है। मोदी जी जब विधायक थे तब, मोदी जी जब विधायक थे तब मणिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहली बार विधायक बने, बाद में मुख्यमंत्री बने, और जब उन्होंने विधायक पद छोड़ा तब मणिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी देश की सबसे विकसित असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी। कई सारी ऐसी चीजें मणिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज भी आप देख सकते हो जो देश भर में, शायद विश्व भर में कहीं पर भी न हो। मोदी जी जब दो स्थानों से चुनाव लड़े थे, बड़ौदा और काशी, चयन करने का समय आया, मोदी जी ने तनिक मात्र भी देर करे बगैर कहा कि मैं काशी का सांसद रहना पसंद करूं। और मित्रों, हम सब जानते हैं
कि प्रधानमंत्री की व्यस्तता क्या होती है, और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो चुनौतियां का सामना करने में विश्वास करता हो, काम न दिखाई पड़ना हो तो काम ढूंढने में विश्वास करता हो, और काम और चुनौतियों को सांगोपांग रूप से पार कर यशस्वी तरीके से देश को आगे बढ़ाने में विश्वास करता हो। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आंख बंद कर आप देखिए 2014 का काशी और आज का काशी, कितना बड़ा अंतर काशी के इसमें आया है। और काशी अन्य क्षेत्रों जैसा काशी नहीं है, कोई और मत क्षेत्र होता तो बहुत सरल होता है। काशी है विश्व की सबसे पुरातन नगरी है, पूरे विश्व का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने की क्षमता रखने वाली ये नगरी है। यहां के संस्कार, यहां की परंपराएं, यहां की आध्यात्मिक और ज्ञान की ऊंचाई, ये सारी चीजों को संभालना, संजोना, आगे बढ़ाना और उसके साथ आधुनिक काशी का विकास का काम करना, मित्रों ये बहुत बड़ी चैलेंज है। आज मैं देख रहा हूं कि अभी एक 5 साल का ही टर्म हुआ है, दूसरा एक टर्म आपने मोदी जी को दे दिया है। 5 साल के अंदर गंगा के घाटों को देखे, एयरपोर्ट से काशी आने के रोड को देखे, रास्ते पर लगे हुए जो बिजली के तार थे उसको जमीन में डालने की बात देखे, स्वच्छता की बात देखे, गटर योजना की बात देखे, बीच में जो बिजली के पोल भी है वो काशी के संस्कार के अनुरूप है। इतना डिटेल प्लानिंग के साथ काशी का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कई बार व्यस्तता में से थोड़ा भी समय मिलने के बाद ढेर सारे नए प्रोजेक्ट बाबा विश्वनाथ को अपनी मंडली के साथ देश के सामने पहली बार लाने का काम नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण। आज तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन अकेले होते थे, मगर बाबा विश्वनाथ अकेले नहीं थे, ढेर सारे मंदिरों में उनका एक पूरा दरबार होता था। ये दरबार आज विश्व के सामने लाने का काम आपके प्रतिनिधि और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने काशी के विकास के लिए जो महिम प्लानिंग किया है उसका एक ही झलक अभी आपने देखा है। एक दूसरे 5 टर्म दिए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आध्यात्मिक संस्कार और शिक्षा के क्षेत्र में तो काशी विश्व में जाना ही जाता था, मगर विकास की दृष्टि से भी काशी विश्व की अद्भुत विकासशील नगरी बनेगा, इसको मुझे विश्वास। मित्रों, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में 80 से 73 सीटें प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। देश भर के राजनीतिक पंडित कहते थे कि एक वेव के कारण हुआ। उसके बाद में 2017 का चुनाव आया, 2017 के चुनाव में भी यूपी की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया, 325 सीट भारतीय जनता पार्टी और साथियों की झोली में डालने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने। और 2 साल से योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। मगर आज मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से एक बात कहना चाहता हूं, योगी जी के सारे विकास के कामों को आप उठाकर देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव संकल्प पत्र उठाकर देख लीजिए। योगी सरकार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संकल्प पत्र के रोड मैप पर चल रही है, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने हो, चाहे वन उत्पाद का बात हो। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब हम घोषणा पत्र बना रहे थे, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास का बीज वहीं पर घोषणा पत्र के अंदर बोने का काम किया था। छोटी सी छोटी चीज को
छोटी से छोटी चीज को घोषणा पत्र की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जरूरियातों के हिसाब से अंदर रखने का काम किया था। और मित्रों आज 2 साल के अंदर जो उत्तर प्रदेश कभी कहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के आधार पर चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं, यहाँ जात पात के आधार पर चुनाव चलते हैं, परिवारवादी पार्टियों के आधार पर चुनाव जीते जा सकते हैं, पार्टियों की जात के आधार पर चुनाव जीते जा सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश 2 ही साल के अंदर मोदी जी के विकास के नक्शे पर चल पड़ा और आज उत्तर प्रदेश के अंदर से विकास एकमात्र चुनाव जीतने का रास्ता बना है। जब यहां पर गठबंधन किया पूरे देश भर के पत्रकार, देश भर के चुनावी पंडित आकलन लगाते थे कि मोदी सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं आएगा तो यूपी के गठबंधन के कारण नहीं आएगा। और मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के गठबंधन के बाद जब पार्टी ने आह्वान किया कि हम 50% की चुनाव की तैयारी करें, गठबंधन जिसका भी हो, ये 2-3 इकट्ठा हुए, चौथा भी आ जाए तो आ जाए, एक बार 50% की राजनीति करनी है, ये जब आह्वान किया तब मोदी जी के विकास के नक्शे के भरोसों पर ही किया था। और दूसरा भरोसा था उत्तर प्रदेश और काशी के कार्यकर्ताओं का और जनता का। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से काशी के सभी कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश में फैले हुए करोड़ों कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता और काशी की जनता को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं कि हमारे 50% के लक्ष्य को आपने समाप्त किया। और मित्रों इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 50% मत प्राप्त कर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है वो सिद्ध करने में सफल हुए। और मैं मानता हूं कि मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी का जो रास्ता है, 5 ही साल के अंदर उत्तर प्रदेश देश के सबसे विकसित राज्यों की सूची में शुमार हो जाएगा, देखते देखते शुमार हो जाएगा। और मित्रों ये भरोसा मोदी जी के कर्तृत्व पर है, उनकी दूरदृष्टि पर है, उनके काम करने के तरीके पर है। और ये भरोसा सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये भरोसा देश की 125 करोड़ की जनता का भरोसा है। और तभी जाकर आजादी के बाद 50 साल के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री फिर से पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। और मैं आज फिर से कहना चाहता हूं कि काशी के सभी कार्यकर्ताओं का जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है। काशी कोई मैं पहली बार चुनाव लड़ाने नहीं आया हूं, बाबा की नगरी है, मौजिला स्वभाव है, योजनाएं धरी की धरी रह जाती है, मगर इस चुनाव में जो भी योजना बनी उसका नक्शिक पालन काशी के कार्यकर्ताओं ने किया। और इसी के कारण 45 डिग्री टेम्परेचर में इतना अच्छा मतदान हुआ, अद्भुत रोड शो, शायद विश्व में ऐसा रोड शो कभी नहीं हुआ होगा, ऐसा मोदी जी का स्वागत आपने किया और प्रचंड बहुमत से काशी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मोदी जी को प्रचंड बहुमत से आपने यहां से संसद में जाने का रास्ता प्रशस्त किया। मैं काशी के सभी कार्यकर्ता और काशी की जनता का हृदय से धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं और आप सब की ओर से मोदी जी को बधाई भी देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि मोदी जी आइए, देश का नेतृत्व करिए और भारत को विश्व में एक महाशक्ति ये नाते प्रस्थापित कर भारत माता का गौरव बढ़ाइए। यही बात कर मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत ही आभार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। मित्रों एक नरेंद्र ने शताब्दियों पहले विवेकानंद के रूप में
अभ्युदय करते हुए धरती पर वेदांत भाष्य का उद्घोष किया और भारतवासियों को एक सिंह का शौर्य देकर भारतीय पुनर्जागरण की नींव रखी थी। आज पुनः एक नरेंद्र हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के रूप में राष्ट्रीयता, राष्ट्रवादिता और शौर्य का पुनर्जागरण कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज भारत का विश्व गुरु बनना निश्चित हो गया है। माँ भारती के सपूत, युग दृष्टा, हम सबके अभिभावक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा। हम उनसे आग्रह करते हैं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आप सब हर हर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जी जान से इस चुनाव अभियान को चलाया, वैसे भाई श्री अमित भाई शाह यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्रनाथ जी और काशी के सभी श्रेष्ठ बंधुजन, बंधु भगिनी लोगन के प्रणाम बा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी और कार्यकर्ता, आप बैठिए, पार्टी और कार्यकर्ता जो आदेश करते हैं उसका पालन करने का मैं बरसक प्रयास करता हूं। एक मास पूर्व जब 25 तारीख को मैं यहां था, जिस आन बान शान के साथ काशी ने एक विश्व रूप दिखाया था और वो सिर्फ काशी को प्रभावित करने वाला नहीं था, सिर्फ उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाला नहीं था, उसने पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित किया था। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जो काशी के गलियों में, काशी के मार्ग पर काशी का मिजाज जिस प्रकार से प्रकट हो रहा था
उसे जब देश के हर कोने में मतदाता देख रहा था, कोई कार्यकर्ता ऐसे जो कागज लेके आए उनसे कलेक्ट कर लीजिए भाई, किसी को काम दे दीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, बाद में मुझे पहुंचा दीजिए, कुछ लोगों के हाथ में कुछ कागज है मुझे पहुंचा दीजिए। हाँ, बाद में मैं ले लूंगा। आपको संतोष हो गया? कार्यकर्ता का संतोष, यही हमारा जीवन मंत्र है। और जब 25 शाम को और 26 में यहां के प्रबुद्ध जनों से, कार्यकर्ताओं से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला था, और आप सबने मुझे आदेश दिया था कि एक महीने तक आप काशी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, देश ने भले मुझे प्रधानमंत्री बनाया हो लेकिन आपके लिए मैं कार्यकर्ता हूं, और मेरे लिए आपका आदेश सर आंखों पर रहा। 18-19 जब पोलिंग प्रचार अभियान समाप्त हो चुका था, 18-19 का समय था, 19 को मतदान होना था, मेरे मन में भी था कि चलो भले कोई काम नहीं है लेकिन चले जाएं काशी, लेकिन फिर याद आता था यार आपने तो आदेश दिया है एंट्री नहीं देंगे तो क्या होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ये बाबा नहीं तो कोई और बाबा, शायद ही कोई उम्मीदवार चुनाव में और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है जितना कि मैं था। और इन निश्चिंतता का कारण मोदी नहीं था, निश्चिंतता का कारण आप सबका परिश्रम था, काशीवासियों का विश्वास था। जब नतीजा आए तब भी निश्चित था, मतदान हो रहा था तब भी निश्चिंत था, और इसलिए बड़े मौज के साथ केदारनाथ में बाबा के चरणों में जाके बैठ चुका था। काशी ने जो, यानी काशी तो अविनाशी है, और जो स्नेह मुझे दिया है, जो शक्ति मुझे दी है, ये अपने आप में शायद ही ऐसा सौभाग्य मिलना बहुत मुश्किल होता है जी। आप में से कई लोग हैं, कितने कार्यक्रम किए, मुझे जानकारी मिलती थी कि क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, किसने प्रकार से यहां एक प्रकार से चुनाव को लोकोत्सव बना दिया गया है, देश के लिए भी
और पूरे चुनाव अभियान में बहुतेक मात्रा में मैं कह सकता हूं कि तू-तू मैं-मैं का तत्व बहुत कम था, अपनत्व का माहौल ज्यादा था। इस चुनाव में अलग अलग दलों के जो साथी मैदान में थे, इस चुनाव में जो निर्दलीय साथी मैदान में थे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी अपने तरीके से काशी की गरिमा के अनुकूल इस चुनाव को अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। वे भी अभिनंदन के अधिकारी हैं और इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से जो अन्य उम्मीदवार थे उनका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। चुनाव में प्रशासन को बहुत कठिनाइयां रहती हैं, बहुत परिश्रम रहता है। देश भर का मीडिया वर्ल्ड भी यहां आता था तो स्थानीय मीडिया के लोगों से ही भरोसे वो चलते थे। एक प्रकार के उनको भी काशी का रिपोर्टिंग करना और देश भर से आए हुए मीडिया को संभालना ये अपने आप कर रहे थे। मैं इस मीडिया जगत के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। इस चुनाव में जब कार्यकर्ताओं के साथ मेरा मिलना हुआ था तो उस दिन मैंने कहा था कि यहां पर शायद नामांकन तो एक नरेंद्र मोदी का हुआ होगा लेकिन ये चुनाव हर घर का नरेंद्र मोदी लड़ेगा, हर गली का नरेंद्र मोदी लड़ेगा। और आपने एक प्रकार से अपने भीतर की शक्तियां एक प्रकार से नरेंद्र मोदी के रूप में ही आपने इसको अपने अंदर समाहित कर दिया और आप सब नरेंद्र मोदी बन गए। और इस पूरे चुनाव अभियान को आपने चलाया। आम तौर पर जब इस प्रकार का चुनाव होता है तो थोड़ा मन में अब क्या है भाई, जीतने ही वाले हैं, लेकिन मैं काशी के संगठन से जुड़े हुए लोगों का, काशी के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता का और काशी के हर समर्थक का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चुनाव को जय और पराजय के तराजू से नहीं तोला। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बहुत बड़ी घटना है, जय और पराजय के तराजू से नहीं तोला। उन्होंने चुनाव को एक लोक शिक्षा का पर्व माना, लोक संपर्क का पर्व माना, लोक संग्रह का पर्व माना, लोक समर्पण का पर्व माना और कोई कमी न रह जाए, किसी मतदाता को यह न लगे कि कोई मेरे पास तो आया नहीं था, किसी ने तो मुझे कहा नहीं था। मोदी हमें पसंद है लेकिन भाई क्या बात है, इतना बड़ा अवसर है आपने मुझे याद भी नहीं किया। हर घर गए, हर मतदाता को मिले, 40-45 डिग्री टेम्परेचर में गए और गर्मा गर्मी नहीं थी। चुनाव के माहौल को गर्म करना भी एक अपने आप में कसौटी होती है ताकि मतदाताओं का उत्साह बढ़े।
इन सभी कसौटियों से आप पार उतरे हैं और डिस्टिंक्शन मार्क के साथ पार उतरे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। सारे देश में और सोशल मीडिया में यहां की बेटियों ने जो स्कूटी निकाली इसकी बड़ी चर्चा है और उसने एक मैसेजिंग किया कि स्कूटी पर बैठ करके हमारी बेटियों ने पूरे कांची को अपने सर पर ले लिया था। भांति भांति के कार्यक्रम समाज कर रहा था और कभी कभी तो हम जाकर के सिर्फ देखते थे वाह कैसा चल रहा है, लेकिन कर रहे थे जनता जनार्दन, जनता जनार्दन का उत्साह था। कोई कारण नहीं था कि आज तो मुझे ऐसे ही उतर करके बाबा के चरणों में जाना था और फिर आप सबके माध्यम से काशी का और उत्तर प्रदेश का अभिनंदन करना था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर लोग अपने आशीर्वाद दे रहे थे, यह भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव था। और इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं भले काशी से बोल रहा हूं लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश अनेक अनेक अभिनंदन का अधिकारी है। आज उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को दिशा दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश स्वस्थ लोकतंत्र की नींव को और मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने 77 में लोकतंत्र के लिए सारी दीवारें तोड़ करके लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा बता करके देश को एक दिशा दी थी, ताकत दी थी। लेकिन 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, हैट्रिक छोटी नहीं है जी, ये तत्कालीन किए गए निर्णय नहीं है। उत्तर प्रदेश के गांव गरीब परिवार का व्यक्ति भी भारत के उज्जवल भविष्य की दिशा क्या हो सकती है इसके विषय में सोचता भी है और उसी की दिशा में चलता भी है और देश को चलने के लिए प्रेरित भी करता है। उत्तर प्रदेश के ये 14, 17 और 19 इन तीन चुनावों के योगदान को भारत की राजनीति, भारत की समाज नीति, भारत की मतदाता व्यवस्थाएं किस प्रकार से बदल ला रही है इसका एक अद्भुत विराट रूप के दर्शन कराए। और तीन तीन चुनाव के बाद भी अगर पॉलिटिकल पंडित की आंखें खुलती नहीं है, तीन तीन चुनाव के बावजूद भी पॉलिटिकल पंडितों के कान पर आवाज नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब है कि उनके विचार, उनकी सोच, उनके तर्क काल बाह्य हो चुके हैं। वो 20वीं सदी के लिए हैं, 21वीं सदी के लिए नहीं है। पचास पचास पेज का जिनका बायोडाटा बनता होगा, प्रोफाइल बनता होगा, इतनी डिग्रियां होगी, इतने पेपर लिखे होंगे, न जाने क्या क्या कुछ हुआ होगा, लेकिन उनकी तुलना में जमीन से जुड़ा हुआ एक गरीब आदमी, उसकी समझ सकती कहीं गणा ऊंची होती है, बहुत दीर्घ दृष्टि। और हम
उसी के प्रति श्रद्धा रखते हुए, उसी के प्रति समर्पण भाव रखते हुए और उसी के सहारे, उसी की शक्ति के भरोसे राष्ट्र की राजनीति में एक नई व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव परिणाम वो तो एक गणित होता है, जिसको 200 वोट मिले हैं और दूसरे को 201 मिला है तो विजेता तो 201 वाला होने वाला है, 200 वाला नहीं होने वाला है। परिणाम का आधार तो गणित समझ सकता हूं मैं, 20वीं सदी के चुनावों के हिसाब किताब भी गणित और अंक गणित के दायरे में चले होंगे, लेकिन चाहे वो 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, देश के राजनीतिक विश्लेषकों को मानना होगा कि एरिथमेटिक के आगे भी केमिस्ट्री होती है। गुणा भाग का हिसाब किताब के परे भी एक केमिस्ट्री होती है जी। देश में समाज शक्ति की जो केमिस्ट्री है, आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है, वे कभी कभी सारे गुणा भाग, सारे अंक गणित को निरस्त कर देती है, पराजित कर देती है। और इस बार अंक गणित को केमिस्ट्री ने पराजित किया है। और इस अर्थ में ये चुनाव अपने आप में देश और दुनिया को, पॉलिटिकल पंडितों को, कुछ लोगों की घिसी पिटी कैसेट है और वही दायरे में फिट कर करके एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और यह माना गया कि पॉलिटिक्स इज अबाउट द परसेप्शन, ये माना गया है। लेकिन और हम वो लोग हैं जो हम जैसे हैं वैसे दुनिया हमें देख न ले, इसलिए 90% से अधिक ताकतें जो पिछले 50, 60, 70 साल में एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, वे दो काम करती रहती हैं। किसी भी हालत में हमारे विषय में सही परसेप्शन न बने, किसी भी हालत में न बने, इसके लिए जो भी झूठ का सहारा लेना पड़े लेना पड़े। और दूसरा, एक है जैसे परसेप्शन सही न पहुंचे तो दूसरा है हो सके उतने तर्क कुतर्क करके परसेप्शन को बर्बाद किया जाए, बिगाड़ा जाए, एक ऐसा भयानक परसेप्शन बना दिया जाए कि लोग पास खड़े रहने से डर जाएं। ये 70 साल तक चला, पंडितों की ये थियरी होगी कि पॉलिटिक्स अबाउट द परसेप्शन, लेकिन उन पंडितों को दोबारा सोचना पड़ेगा कि दो चीजें ऐसी होती हैं जो परसेप्शन को तबाह करने की लाख कोशिश करने वालों को भी गंदा और बुरा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करने वालों के लिए भी उसको परास्त करके आगे बढ़ने की ताकत होती है। और वो है, वो दो चीजें, एक है पारदर्शिता और दूसरा है परिश्रम। पारदर्शिता प्लस परिश्रम, लोग कितनी ही अपनी ताकत लगा ले परसेप्शन बनाने की, उसको परास्त करने का सामर्थ्य रखती हैं। और आज हिंदुस्तान ने उसको स्वीकार किया है, उसने करके दिखाया है जी। और इसलिए हमारे लिए भी पारदर्शिता और परिश्रम का कोई अल्टरनेट नहीं है।
क्योंकि हमें एस्टैब्लिश इस प्रकार की नेगेटिविटी के बीच पॉजिटिविटी को लेकर के जाना है और निरंतर जाना है, अविरत जाना है, क्योंकि देश उसी से आगे बढ़ने वाला है और उसको हमने किया है। साथियों, हम लोगों को लगता है सफलता सरकार और संगठन इन दोनों के बीच में तालमेल, परफेक्ट सिनर्जी, ये बहुत बड़ी ताकत रखती है। आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक इसको साकार किया है। राज्यों में इतनी सरकारें हो, केंद्र में सरकार हो, लेकिन पार्टी और संगठन, सरकार और संगठन दोनों के बीच में सिनर्जी। सरकार नीति बनाती है, नीति पर चलती है, संगठन रणनीति बनाता है। नीति और रणनीति, इसकी सिनर्जी सरकार और संगठन के काम की सिनर्जी का एक प्रतिबिंब होती है और जिस प्रतिबिंब का आज हम सफल, उसका लाभ देश को मिल रहा है। उसी प्रकार से हमें जानते हैं कि सरकार का काम है कार्य करना और इसलिए एक तरफ सरकार का कार्य हो और उसमें जब कार्यकर्ता जुड़ जाता है, कार्य प्लस कार्यकर्ता, वो एक ऐसी ताकत है जो करिश्मा करती है। ये जो करिश्मा दिख रहा है वो कार्य का भी है और कार्य के साथ कार्यकर्ता का भी है। दोनों में से एक होने से होना नहीं है करिश्मा, और इसलिए वर्क एंड वर्कर क्रिएट्स द वंडर। और इसलिए वर्क और वर्कर, ये वंडर की बहुत बड़ी सबसे उद्दीपक कैटलिक एजेंट है जो आज हम कर रहे हैं। सरकार ने काम किया, शौचालय बनाए, घर बनाए, गैस पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, लेकिन ये कार्यकर्ता है जिसने विश्वास पैदा किया कि अभी तो ये शुरुआत है। जिसे नहीं मिला है उसे मिलने वाला है, और जिसे मिला है वो उपकार नहीं, उसके हक का मिला है। ये जो वर्क एंड वर्कर वाला जो सिनर्जी है, जो वंडर करता है, वो आज हर बात में हम देख पाते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से दो संकटों से हम गुजरे हैं और लगातार हमें झेलना पड़ता है। जैसे दो शक्ति है, नीति और रीति, जैसे दो शक्ति है नीति और रणनीति, जैसे दो शक्ति हैं पारदर्शिता और परिश्रम, जैसे दो शक्ति हैं वर्क एंड वर्कर, वैसे ही दो संकट भी हमने झेले हैं। और वो दो संकट है, चाहे केरल लीजिए या कश्मीर ले लीजिए,
चाहे बंगाल ले लीजिए या त्रिपुरा ले लीजिए, ये चीजें अखबारों में नहीं छपती हैं, मीडिया में नहीं दिखती हैं। कुछ लोगों की सिलेक्टिव संवेदनशीलता, सिलेक्टिव मानवतावाद इन सत्य को नकारता है, लेकिन हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहादत मोल ली है, उनकी हत्याएं हुई है, उनको सिर्फ राजनीतिक विचारधारा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया है। जब त्रिपुरा में चुनाव चल रहा था, फांसी पे लटका दिए जाते थे हमारे कार्यकर्ताओं को, बंगाल में आज भी हत्याओं का दौर बंद रुक नहीं रहा है, कश्मीर में हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाई है, केरल में हमें मौत के घाट उतार दिया जाता है। शायद हिंदुस्तान में कोई एक राजनीतिक दल इतनी व्यापक प्रकार से हिंसा का शिकार हुआ है, और उसके मूल में एक जो नैरेटिव, हेट्रेट का नैरेटिव लगातार बनाया गया है, उसी का परिणाम है कि हिंसा को एक प्रकार से मान्यता दी गई है। यह हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है। दूसरा हमारे सामने संकट है, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने सार्वजनिक जीवन में छुआछूत को, समाज जीवन में छुआछूत को, सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में राजनीतिक छुआछूत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हिंसा होना, मार देना, उनकी हत्याएं होना, और दूसरी तरफ भाजपा का नाम लेते ही अनटचेबिलिटी, छुओ मत, अड़ो मत, तो बड़े खतरनाक है। हम इतने सालों से सत्ता पे आए हैं, हम विभाजनकारी मनोवृत्ति के नहीं है। जो लोग अपने आप को एकता का ठेकेदार बनाते हैं, उन्होंने सिर्फ आंध्र का विभाजन किया, आज भी वहां पर शांति का माहौल नहीं बन पाया है, तेलंगाना और आंध्र। और हम वो लोग हैं जो एकता के मंत्र को लेकर के चलते हैं, हम उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना दे, दिलों में आग नहीं लगने देते हैं। हम बिहार में से झारखंड बना दे, दिलों को चोट नहीं पहुंचाते हैं। हम मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना दे, प्यार में कोई कमी नहीं आने देते, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये मंत्र हमारी रगों में है, हमारी जहन में है। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया है, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि जिसमें हमें आज भी अछूत, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और गुजरात के टूरिज्म प्रमोशन के लिए मैंने सीने जगत के लोगों की मदद मांगी, उन्होंने मदद की, लेकिन सारी दुनिया उन पर टूट पड़ी, आप और गुजरात, गुजरात यानी ऐसा छुआछूत का परसेप्शन बनाते चले हैं। इस चुनौती भी है, भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार के वृत्ति वाले लोग हैं, उनसे भी मैं आज काशी की पवित्र धरती से पुनर्विचार करने के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। आओ दोस्तों, आओ नए सिरे से सोचना शुरू करो। कमियां हम में भी होगी, लेकिन हमारे इरादे नेक हैं।
और दोस्तों, लोकतंत्र कोई कुछ भी कह दे, आज हिंदुस्तान के राजनीतिक तख्त पर, राजनीतिक कैनवास पर ईमानदारी से रग रग में लोकतंत्र को लेकर के जीने वाला कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम शासन में आते हैं तब भी हम सबसे ज्यादा लोकतंत्र की परवाह करने वाले लोग होते हैं। कभी कभी तो और लोग जब सत्ता में आते हैं तो विपक्ष का नामो निशान नहीं होता है। हमें जब सत्ता मिलती है तो विपक्ष का अस्तित्व शुरू होता है, क्योंकि लोकतंत्र ही हमारा स्पिरिट है। आप त्रिपुरा देख लीजिए। मैं देश के ये पॉलिटिकल पंडितों से कहना चाहूंगा और चुनौती देकर के कहना चाहता हूं, कोई मुझे बताए त्रिपुरा के अंदर 30 साल तक कम्युनिस्टों की सरकार रही, क्या वहां कोई विपक्ष था? क्या वहां विपक्ष की कोई आवाज थी? क्या वहां विपक्ष को कभी सुना गया था? क्या दिल्ली के मीडिया में विपक्ष की कभी चर्चा हुई थी? कुचल दी जा चुका था। आज त्रिपुरा में हम सत्ता में आए, अभी तो 2 साल मुश्किल से होने जा रहे हैं, आज वहां जानदार शानदार विपक्ष मौजूद है और उसकी आवाज सुनी जाती है। ये लोकतंत्र स्पिरिट है, उसकी आवाज को तवज्जो दी जाती है। और देश चलाने के लिए यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और जिम्मेवारी भी होती है, वो कोई उपकार नहीं है। और मैं मानता हूं जो अब हमारे पूर्व राष्ट्रपति बार बार कहते थे, पार्लियामेंट का उपयोग चर्चा के लिए होना चाहिए। चर्चा में आप भरपूर विरोध कीजिए ना, लेकिन जब चर्चा के लिए मुद्दे नहीं होते हैं, तर्क नहीं होते हैं, एक्सपोज होने का डर लगता है, तो हो हल्ला करके के संसद को न चलने देना, ये सरल मार्ग बन जाता है। हम विपक्ष की ताकत को स्वीकार कर करके विपक्ष की ताकत को तवज्जो देने वाले, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और जहां जहां हमें मौका मिला है वहां पर विपक्ष की आवाज, संख्या भले कम होती हो, जनता का अविश्वास के कारण उनकी संख्या कम हो जाती है, वो उनकी जिम्मेवारी है जनता का विश्वास जीते, लेकिन संविधान हमें जिम्मेवारी देता है कि एक भी क्यों ना हो उसकी आवाज का महत्व होगा। ये हमारी जहन में है। दोस्तों, एक और बात है, हमारे देश के लोकतंत्र को वोट बैंक की राजनीति ने कुचल दिया है। और इसलिए जो भी निर्णय होते हैं, चर्चा होती है, सबके बीच में आकर के हिम्मत के साथ अपनी बात रखनी है, तो ये वोट बैंक की राजनीति के दबाव में हमारे देश में कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। क्या इस देश के सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को अपने हक के लिए इतना इंतजार करना पड़ा? कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था? ऐसा तो नहीं था कि आवाज आ नहीं रही थी? ऐसा तो नहीं था कि लोग रोष व्यक्त नहीं करते थे? ऐसा भी नहीं था कि आंदोलन नहीं होते थे? होता सब कुछ था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के प्रभाव में ये करेंगे तो शायद कुछ खिसक जाएगा। तो ये हमारी निष्पक्ष सोच थी, निष्पक्ष सोच थी। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबका विकास, सबको अवसर, और उसका कारण है कि हम सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का फैसला कर पाए। अगर हम वोट बैंक की राजनीति पे चलते तो शायद हम भी उसी में ढल जाते। हम नहीं ढले, देश के उज्जवल भविष्य के लिए जो आवश्यक है हम करेंगे। आज भी मेरी तो सूचना रहती है, गांव में घर मिलेगा,
एक तरफ से लिस्ट के अंदर से शुरू करो, 51 लोग हैं इस बार 25 घर देने वाले, पहले 25 को दे दो, फिर 26 के दूसरा बजट आए 26 से शुरू करो। कौन जाति का है, कौन बिरादरी का है, प्रधान से लेना देना कुछ लेना देना नहीं है, वो मेरे देश का नागरिक है, उसको मिलना चाहिए। मैं जानता हूं इन चीजों से मिलने वाले को कभी लगता नहीं है, वो होता ही मानता है ये तो नियम में मेरा नाम आया है, उसमें भाजपा वालों ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, ये नेगेटिविटी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, लेकिन इस नुकसान को झेल करके भी हमें देश में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप विकसित करने की हिम्मत हमने दिखाई है। साथियों, हम वो लोग हैं जो भारत की महान विरासत को लेकर के गौरव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो काल बाह्य है उसको छोड़ने वाले हम लोग हैं, लेकिन जो सदियों से खरा उतरा है, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, मजदूर ने, किसान ने, कामगार ने, शिक्षक ने, वैज्ञानिक ने, हजारों साल से देश की परंपरा को विकसित किया है, औरों को शर्म आती हो आने दो, मुझे इसका गर्व होता है। जिनको शर्म आती है वो उनका प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि हमारे महापुरुषों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और जिसकी विरासत भारत के पास है, और इसलिए हम दो बातों को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं, एक इस महान विरासत को और दूसरा आधुनिक विजन को। हमें कल्चर को भी बरकरार रखना है और हमें करंट सिचुएशन को भी एड्रेस करना है। योग हो, आयुर्वेद हो, रामायण सर्किट हो, बुद्धिस्ट सर्किट हो, भारत की महान विरासत है। अयोध्या में दिवाली मनाना इतने साल तक किसने रोका था भाई? कुंभ के मेले का उपयोग देश की मर्यादाओं को चूर चूर करने के लिए हुआ है इतने सालों तक, एक ही प्रकार का परसेप्शन क्रिएट किया गया, कुंभ का मेला मतलब नागा साधुओं की जमात, उस परसेप्शन को बदला जा सकता है और योगी जी के नेतृत्व में देश ने बदला है और उसका गौरव सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का हुआ। छब्बीस जनवरी को जब विजय चौक के अंदर परेड होती है और हमारे विजय पथ पर टैबलो जाते हैं, पहली बार एशिया के अंदर भगवान राम को किस किस रूप में देखा जाता है उसका प्रगटीकरण 26 जनवरी पर राज प्रदेश ने देखा। लेकिन इसके साथ हम वो लोग हैं जो अटल टिंकरिंग लैब भी बनाते हैं ताकि मेरी जो नई पीढ़ी है, 8वीं 10वीं कक्षा का बच्चा है जो अटल टिंकरिंग लैब से इनोवेशन पे सोचे, नए अनुसंधान पे सोचे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचे और भारत को 21वीं सदी में वैज्ञानिक अधिष्ठान पर ले जाए, इसके लिए भी हम उतनी ही ताकत लगाते हैं। और इसलिए हम कल्चर का जितना महात्म्य देते हैं, हम 21वीं सदी के विजन को भी उतना ही प्रगढ़ता के पूर्वक आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। हमारे देश में पूजा पाठ में 125 रुपये का महत्व है, सब है, लेकिन फिर भी भीम ऐप बना करके मोबाइल फोन से डिजिटली डोनेशन करने की परंपरा हम विकसित कर रहे हैं। चीजें जरूरी नहीं है कि पुराना सब तोड़फोड़ करके ही नया बनाया जा सकता है, लेकिन हमने उन चीजों को आगे लिया है। हम 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से शुरू की थी यात्रा, 6 नंबर पे पहुंच गए दुनिया में।
पांच नंबर पे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तीन पर पहुंचने के पहले तीन में पहुंचने के इरादे से काम कर रहे हैं। आज मेरा देश का नौजवान स्टार्टअप को लेकर के विश्व में ताकत के रूप में उभर सकता है तो स्टार्टअप को बल देकर के देश के नौजवान की ताकत से विश्व को अचंभित करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसलिए हम उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो लोग परसेप्शन बनाते हैं उन्होंने हमेशा ये बनाया और जिस उनके लिए वो शायद एक एकेडमिक डिस्कशन होगा, लेकिन इस प्रकार की सोच से देश में दरारें पड़ती हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि उनकी ये सोच किस प्रकार से देश में दरार पैदा कर देती है। आज हिंदुस्तान का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनते हो या न चुनते हो लेकिन लगातार हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। केरल हो, तमिलनाडु हो, कश्मीर घाटी हो, आज लद्दाख से भी बीजेपी चुन करके आती है, तो हम फिर भी ये पंडित लोग बैठेंगे हिंदी हार्टलैंड की पार्टी। कर्नाटक में सबसे बड़ा दल, फिर भी हम हिंदी हार्टलैंड। गोवा में सालों से हम सरकार चला रहे हैं, फिर भी हिंदी हार्टलैंड। पूरे नॉर्थ ईस्ट में वहां हिंदी भाषा समझना मुश्किल है, फिर भी वहां हम सरकार चलाते हैं। आसाम में सरकार चलाते हैं, हम लद्दाख के अंदर चुन करके आते हैं। एक ऐसा भ्रम पैदा किया गया है, हम एक सर्वसमावेशक, सर्वस्पर्शी और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के हम लोग हैं। भाइयों बहनों, चुनाव जीतना एक काम है और लोकतंत्र का ये उत्सव आन बान शान के साथ हमने मनाया है, लेकिन अब 2022 भारत के आजादी के 75 साल, अधिकार की चर्चाएं हमने बहुत कर ली हैं, ये 5 साल कर्तव्य के बल पर हम चल सकते हैं क्या? और इस देश का नागरिक अगर अपने कर्तव्यों का पालन करे तो फिर किसी के अधिकारों का हनन होने वाला नहीं। ये देश मेरा है, आज भी हमारे देश में एक मानसिकता बन गई। आजादी का आंदोलन चला तो हम देश के लिए मर मिटते थे, लेकिन आजाद होने के बाद स्कूल है तो हम आराम से कहते तो सरकारी स्कूल है, अस्पताल भाई तो सरकारी अस्पताल है। अरे भाई वो सरकारी नहीं है, वो तेरा है, तुम उसके मालिक हो। हमने ये भाव पैदा करना है, जो भी सरकारी है वो भारत के हर नागरिक की मालिकी है और उसको बढ़ाना, उसकी ताकत देना, उसकी रक्षा करना एक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है। ये तो सरकारी स्कूल है भाई, छोड़ो वहां तो कौन जाएगा, ये सरकारी अस्पताल है पता नहीं कौन जाएगा। जी नहीं, हम ही मिलकर के सरकारी है, वो हमारा है, हम इसको ताकत कैसे दे। अपना स्कूटर तो हम इतना बढ़िया दिन में 4 बार साफ करते हैं, 20 साल पुराना हो, कलर उखड़ गया हो, फिर भी बराबर घिस करके चमक चमक करके निकलते हैं, लेकिन सरकारी बस में बैठे और बगल में सीट खाली हो, बातों करने वाला हो न और नींद आती नहीं हो तो क्या करते हैं, सीट पे उंगली डालते हैं। यहां सबने किया होगा, और अंदर से 2-3 इंच का जब तक गड्ढा न करे हमको चैन नहीं आता है। भारत माता की जय बोले और फिर बनारसी पान खा करके, ये कौन से भारत माता की जय है भाई? उसी मां को गंदा करें जिस मां का जयकारा करने के लिए हम संकट झेलते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि देश मेरा है, ये देशवासी मेरे हैं। जिस स्पिरिट से आजादी का आंदोलन चला, उसी स्पिरिट से आजादी के 75 साल देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम आगे बढ़ाए और काशी काशी करके दिखाएं। साथियों, आज चुनाव की गहमा गहमी के बाद विजयोत्सव का माहौल अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तब अपनों के बीच में आया हूं, ज्ञान नगरी में आया हूं, महान विरासत की धरती पर आया हूं और उसमें से जो भाव जगा, उस भाव को मैंने आपके सामने प्रकट किया है। जब चुनाव का काम चल रहा था, उसी समय इस वर्ष जिनको हमने पद्मश्री दिया था, वो श्रद्धेय हीरालाल जी हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने संगीत साधना में बहुत बड़ा योगदान किया। मैं आज जब उनके स्वर्गवास के बाद पहली बार आया हूं, तो मैं आदरपूर्वक उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारजनों से तो मैंने बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी है, उस विरासत के प्रति हम सबका गर्व बना रहे। मैं फिर एक बार आपके पुरुषार्थ के लिए, आपके परिश्रम के लिए, आपके समर्पण के लिए, जी जान से जो मेहनत आपने की है, आप सबको हाथ जोड़ करके नमन करते हुए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी काशी के मतदाताओं का धन्यवाद, पूरे उत्तर प्रदेश का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।